गाइस, मैं विद क्लेम के साथ कह सकता हूँ कि आपने यूट्यूब पे भी इस टाइप के यूनिक कलर येलो कलर में एलोविल नहीं देखे होंगे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है आप थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस, आज हम अपनी कार के जो एलोविल थे उन पर पेंट करेंगे, और खुद से पेंट करेंगे और घर पर पेंट करेंगे। तो जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इतना मॉडिफिकेशन का इतना लोगों को इतना शौक भी नहीं है, और यहाँ पे इतनी शॉप्स अवेलेबल नहीं है। तो मॉडिफिकेशन करवाने का कोई भी भाई वगैरह को मन करता है तो या तो वो दिल्ली जाता है या जयपुर जाता है। तो इसी चक्कर में ये चैनल में आपको ऐसी वीडियो, ऐसी मॉडिफिकेशन में वीडियो रहने वाली है जो आप खुद से कर सकते हैं घर पर वो भी। और मैंने पूरी मॉडिफाई मैंने घर पर करी है, और ऐसी मतलब ऐसी ओवरऑल सारी चीज़ें नहीं, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, और उनसे गाड़ी काफ़ी हाई एंड गाड़ी लगती है। तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एलो व्हील एक दो साल पहले इंस्टॉल करवाए थे, तो मैंने उस पर मतलब काफ़ी थोड़ा यूनिक दिखने के लिए, और फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं तो फिर दो तीन साल में मैं खुद से ही पेंट कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो अभी पेंट किया है वो किया है येलो पेंट, थोड़ी यूनिक लगती है और काफ़ी ज़बरदस्त भी लगती है गाइस। आप देखोगे तो आप भी कहोगे। और ऐसी इस जो जो कलर में मैंने उस पर पेंट किया है वो कलर आपको यूट्यूब पे किसी के यूट्यूब के गाड़ी पे भी मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा। हाँ, पेंट पे वीडियो है, लेकिन ऐसे पेंट पे वीडियो नहीं है। और कितना ड्यूरेबिलिटी है, कितना क्या है, कितना लगा खर्चा इसमें पेंट वेंट में अगर खुद से पेंट करते हैं, और कैसे पेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा वीडियो में। तो गाइज एलो व्हील को पेंट करने से पहले अपन को चाहिए होगा न्यूज़पेपर चाहिए होंगे, मास्किंग टेप चाहिए होगी, और अच्छा स्प्रे पेंट की बोतल, दो सफिशियंट है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं पेंट। गाइस पहले मेरे एलॉय का कलर वाइट था जो दिखने में ऐसा था। सो गाइस हमने जैक लगा के टायर को रिमूव कर लिया है, और गाइस मेरे पास जैक एक ही था इसलिए मैं वन बाई पेंट करूँगा टायर पर। तो गाइस इसी के साथ जो ड्रम ब्रेक था, जो पीछे ड्रम था, ये मैंने इस को पेंट कर लिया है। मैंने एक साइड से पूरी गाड़ी को न्यूज़पेपर से कवर कर लिया है ताकि स्प्रे पेंट के जो ड्रॉपलेट्स और जो स्प्रे पेंट है वो गाड़ी की बॉडी पे ना जाए, क्योंकि गाड़ी के पास ही मैं पेंट कर रहा था। तो गाइस मैंने पूरी कवर कर लिया है। एंड गाइस कोई भी स्प्रे पेंट करने से पहले जो बेस कलर होता है वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि वाइट पे कोई भी कलर जो बेस कलर वाइट करते हैं उसके ऊपर कोई भी कलर करते हैं तो अच्छी तरह सूट करता है और उसकी शाइनिंग प्रॉपर आती है। तो गाइस मेरा बेस कलर पहले से वाइट था, मेरे जो पहले के एलोवेज का कलर था वो वाइट था। तो गाइस मैंने बेस कलर वाइट किया नहीं, मैंने सीधा इसके ऊपर जो मेरे को कलर चाहिए था मैंने वही कलर किया है। और गाइस मैं चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा के अच्छी तरह न्यूज़पेपर लगा के स्प्रे पेंट किया है ताकि ये स्प्रे पेंट फैले ना और टायर पे लगे ना। और गाइस मैंने जल्दी सुखाने के लिए इस पर हीट गन का और स्प्रे हेयर ड्रायर का यूज़ किया है। हेयर ड्रायर का और हीट गन का यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही था, क्योंकि मेरे पास एक ही जैक था और मैं 1x1 एलॉय को पेंट कर रहा था ताकि जल्दी एलॉय मेरे सूख जाए इसलिए। और गाइस पहले मेरा एलॉय का कलर ऐसा कुछ था दिखने में, और मैं इसी कारण मैंने बेस कलर वाइट यूज़ नहीं कर रहा है, नहीं तो बेस कलर वाइट यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर ही। और गाइस मैंने अच्छी क्वालिटी का पेंट स्प्रे पेंट यूज़ किया है, ये मेरे को 120 और 180 का अप्रोक्स पड़ा है, और मेरे दो बोतल लगी हैं इसके अंदर, और इसमें मैंने दो दो तीन तीन कोट करा है। और गाइस मैंने ड्रम पे भी किया है, और ये गाइस मेरा येलो पेंट कुछ ऐसा रहने वाला था ये। तो गाइस अच्छी तरह प्रॉपर न्यूज़पेपर लगा के और मास्किंग टेप लगा के तब मैंने चारों एलॉय को पेंट किया है ताकि पेंट टायर पे ना लगे और मेरे को फिर बाद में इसको रिमूव करने में इजी हो। एंड गाइस इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है पेंट की आराम से 1 से 1.5 साल चल जाती है, 2 साल भी चल जाती है, और शाइनिंग वही रहती है, ऐसे नहीं फेड हो जाती है। और गाइस भास कराओगे तो ये 1000-2000 में पड़ेगा, जबकि मेरे को ये 200-300 में हो गया पूरा। गाइस मैं विद क्लेम के साथ कह सकता हूँ कि आपने यूट्यूब पे भी इस टाइप के यूनिक कलर येलो कलर में एलो व्हील नहीं देखे होंगे, बट अलग वैरायटी अलग कलर देखेंगे, बट इस टाइप का यूनिक कलर येलो कलर में आपने एलो व्हील नहीं देखे होंगे। तो अपनी कार से प्यार करते हैं और जिनको मॉडिफिकेशन का शौक होता है तो गाइस उनके लिए नॉर्मल बात होती है, तो हर टाइम अपन एलो व्हील तो चेंज करवा नहीं सकते। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इन पे जो स्प्रे पेंट आता है उनसे
इनका कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा फ्रेश लुक भी लगता है गाड़ी का और थोड़ा यूनिक भी लगता है। गाइस आप लुक देख सकते हैं दूर से कैसा लुक लगता है इसका, मतलब इस कलर में जो एलोवेल लग रहा है ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। जो ये ब्लैक रूफ करवा रखी है मैंने, और गाइस मैं एक बात बता दूँ, ये मैंने पूरी सेल्फ मेड कार है गाइस, मैंने खुद से तैयार की है पूरी गाड़ी स्टिकर छोड़ के। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको कार मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।